मोदी जी ठीक हैं? एकदम ठीक है। निशिकांत जी एकदम ठीक। क्या क्या किए निशिकांत जी? बहुत कुछ किए। मतलब मेरा तो जितना उम्र है कि मैंने निशिकांत को नहीं, अभी 5 साल थे तो मैं उनको देखा। अब 5 साल तो जो नहीं किया मैं वो बोल रहा हूँ। अब मेरा समय फिर आया तो मैं देखूंगा कि मधुपुर में काम हुआ है। वो चले जाए चतनारी और जाके उनका वहाँ का सड़क देख ले। जाते जाते पता चल जाएगा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। कौन काम नहीं किया है? कौन यहाँ का जो अभी जो एमपी है एमएलए का जो यहाँ पे हफीजुल हसन ने किया है। और क्या क्या नहीं हुआ है? बहुत कुछ नहीं हुआ। कहीं कहीं सड़क बना के मतलब पीच वाले वही पतला पतले पीच जो पैर से मारे तो उधर से उधर चले जाए वो रोड बना है। अभी अमित शाह जी को सुने जी? बहुत अच्छा लगा। क्या बोले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा, कुछ याद है? सबसे अच्छा वो लगा कि जो बोल रहे थे कि मत लो वैक्सीन बीमारी हो जाएगा, तो चुप करके राहुल और सोनिया ने घर में चुप करके वो भी वैक्सीन ले ली। मेन लक्ष्य मेरा पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब पाना और फिर अच्छा सा बिजनेस कर। जॉब चाहते हैं? जॉब मिलेगा लग रहा है? मिल जाएगा पढ़ने से? बीजेपी का राज्य रहेगा तो जरूर मिलेगा। अगर कांग्रेस रहेगा तो एक कुदारी उठाओ बेल चलो चलो काम की। मधुपुर में काम हुआ है वो चले जाए चतनारी और जाके उनका वहाँ का सड़क देख ले। जाते जाते पता चल जाएगा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। कौन काम नहीं किया है? कौन यहाँ का जो अभी जो एमपी है एमएलए का जो यहाँ पे हफीजुल हसन ने किया है। और क्या क्या नहीं हुआ है? बहुत कुछ नहीं हुआ। कहीं कहीं सड़क बना के मतलब पीच वाले वही पतला पतले पीच जो पैर से मारे तो उधर से उधर चले जाए वो रोड बना है। चतनारी वहाँ का जो कॉलेज जो वहाँ पे जो पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग जो वो आईटीआई कॉलेज वहाँ जाने में उतना प्रॉब्लम होता है वाले उनको बनाओ। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद ईशान। तो आप क्या करते हैं? निशिकांत दुबे फिर जीतेंगे। निशिकांत दुबे। आप क्या करते हैं? ब्लॉग बनाते हैं क्या? जी ब्लॉगर हैं। क्या नाम है ब्लॉग का? जीशु ब्लॉग। जीशु ब्लॉग यही सब दिखाते हैं उसमें? नहीं मेरा एक चैनल था जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ चला गया, डिलीट हो गया। तो मैं दोबारा दूसरा चैनल जीशु ब्लॉग खोला हूँ और फिर उस पे काम कर रहा हूँ। उसमें क्या क्या वीडियो लगाते हैं? जो भी ब्लॉग मतलब चलता फिरता जो मिला वो ब्लॉग, घर का वो सारा कुछ। मोदी जी ठीक है? एकदम ठीक है। निशिकांत जी एकदम ठीक। क्या क्या किए निशिकांत जी? बहुत कुछ किए। मतलब मेरा तो जितना उम्र है कि मैंने निशिकांत को नहीं, अभी 5 साल थे तो मैं उनको देखा। अब 5 साल तो जो नहीं किया मैं वो बोल रहा हूँ। अब मेरा समय फिर आया तो मैं देखूंगा। गंगा जी पहचानते हैं इनको? ताली होना चाहिए। देखे हैं इनको तो पहचानते, लेकिन अभी देखे इनका स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा। इनके लिए मैं एक बार ताली बजाता हूँ। अभी अमित शाह जी को सुने जी? बहुत अच्छा लगा। क्या बोले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा, कुछ याद है? सबसे अच्छा वो लगा कि जो बोल रहे थे कि मत लो वैक्सीन बीमारी हो जाएगा, तो चुप करके राहुल और सोनिया ने घर में चुप करके वो भी वैक्सीन ले ली। तो ये सबके कार्यक्रम में जा रहे हैं कि यहीं आए थे? बगल में घर है क्या? बगल में ही घर, मदीना मोहल्ला, इसलिए मदीना मोहल्ला। आपके मोहल्ला से लोग आए थे सुनने के लिए या वोट देंगे? मैंने तो किसी को अभी नहीं देखा। इसकी माँ नर्स है, इसकी माँ नर्स है और ये मैकेनिक भी इलेक्ट्रिशियन का बढ़िया है, इसका बाप टेलर मास्टर मैकेनिक है। थैंक यू। देखो टॉफी भी मिल गया। क्या चीज के मैकेनिक हो? मैं नहीं, उसी तरह टाइम पास घर पे बल्ब वगैरह बनाता था। मेन लक्ष्य मेरा पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब पाना और फिर अच्छा सा बिजनेस कर। जॉब चाहते हैं? जॉब मिलेगा लग रहा है, मिल जाएगा पढ़ने से? बीजेपी का राज्य रहेगा तो जरूर मिलेगा। और कांग्रेस का रहेगा तो फिर वही। लेकिन कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि बीजेपी नौकरी सब खा जा रही है, खत्म कर दे रही है। नहीं नहीं है, नहीं वैसा नहीं। ठीक है, एकदम ठीक है। अगर कांग्रेस रहेगा तो एक कुदारी उठाओ बेल चलो चलो काम पे। आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, यहाँ के लोग हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ व्यक्तिगत, ये मेरा नाम सुनेंगे, अभी मेरा स्पीच सुना। देश के हर समुदाय के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके बच्चे क्या चाहते हैं? आज इनके मुँह हम लोगों को सीना चौड़ा होता कि मेरे मधुपुर में ऐसे बच्चे हैं जो इतने अच्छे भाव रखते हैं और अपने अल्पसंख्यकों में इतना अच्छा विचार है और ये युवा अल्पसंख्यक जितने हैं उनको एक संदेश देने का काम कर रहा है। देखिए ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, इस प्रदेश में अगर हम सब इस तरह के ही भाषा करेंगे तो हमारे प्रदेश, हमारा देश कभी नीचा नहीं होगा और हमारा देश और प्रदेश में कोई भी आँख उठा के नहीं देख पाएगा। तो हफीजुल जी हैं यहाँ से, वो कैसा काम कर रहे हैं?
पाँच साल में तो हमने कुछ नहीं देखा, थोड़ा मोड़ा देखा तो वो दिखावटी था। हाँ। उनको लगा कि दोबारा आना है कि नहीं आना है। हाँ। लेकिन मैं समझ गया कि नहीं आना है, नहीं आना है। लेकिन वो तो हमेशा यहाँ समय देते हैं, लोगों से मिलते हैं। कोई समय नहीं देता है, ठीक है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.